दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव। आइए नंबर सिस्टम में आज हम आपको गजब का खेल खिलाने वाले हैं और आप देखेंगे कि इस खेल को खेलते खेलते आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे। एक तो हम आपको कंसेप्ट से भी सिखाते हैं और दूसरा कि एग्ज़ाम में जो कि हमें बहुत कम समय मिलता है एक सवाल को सोल्व करने के लिए, तो वो तरीका भी हम बताते हैं कि उस तरीके से हम सवाल को कम से कम समय में कैसे सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। और इससे पहले कि जितनी भी वीडियो अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, नंबर सिस्टम का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर अभी तक के ये 12वां वीडियो से पहले जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं वो सारे वीडियो वहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों सबसे पहले हम बात ये करेंगे। दोस्तों एक बात बताइए, आप सोचेंगे ये क्या बता रहे हैं आप। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब आगे बढ़ते बढ़ते जहाँ तक जाइए 10, 11, 12, 13 नहीं, यानी लास्ट का संख्या अनंत तक ये जाता है। लास्ट की संख्या कौन है ये किसी को पता नहीं है। दोस्तों देखिएगा इसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये लगातार है, इसे तो हम प्राकृत संख्या कहते हैं और इसे हम क्रमागत प्राकृत संख्या कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, अगर 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे आगे बढ़ जाए, इसका भी लास्ट का संख्या कौन है किसी को नहीं पता कि अंतिम सम संख्या कौन होगा। दोस्तों आगे चलते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये हमने क्रमागत विषम संख्या लिख दिया है। क्रमागत का मतलब होता है दोस्तों लगातार। तो ये क्या लिखा मैंने? क्रमागत प्राकृत संख्या, क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या। दोस्तों इसमें किसी का भी अंतिम संख्या किसी को पता अभी तक गणित में नहीं पता चला है कि अंतिम संख्या कौन होगा, यानी ये जाते रहे जहाँ तक आपको मन है लिखते जाइए, करोड़ अरब खरब जो लिखना है लिखते चले जाइए। दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें हम आपको खेल क्या सिखाने वाले हैं, कैसा क्वेश्चन होगा आप देखेंगे कि इतना छोटा चीज आप लिखे हो इससे क्या क्वेश्चन होगा। सबसे पहले हम इसके अंदरूनी को बात करें, अंदरूनी बात करें। देखिए दोस्तों 1 और 2 में कितना का डिफरेंट है? 1 का। उसी तरह 2 और 3 में 1 का, 3 और 4 में 1 का। यानी हम कह सकते हैं कि जब क्रमागत प्राकृत संख्या होता है यानी लगातार प्राकृत संख्या होता है तो प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर केवल 1 होता है। ठीक है, और जरा सुनिए, लेकिन जब सम संख्या है तो 2 के बाद कौन आता है? 4। तो इसमें अंतर कितना का? 2 का। 4, 6 में 2 का, 6, 8 में 2 का, आगे भी ऐसे ही। यानी हम कह सकते हैं कि जब क्रमागत सम संख्या होगा तो उसके प्रत्येक 2 पद में अंतर 2 का होगा। इतना तक तो ठीक है, लेकिन जब संख्या मानने वाली बात होती है तो विषम संख्या में लोग गड़बड़ा जाते हैं। दोस्तों 1 के बाद 3 और 3 के बाद 5, जरा देखिए 1 और 3 में डिफरेंट कितना का है? 2 का। 3, 5 में कितना का? 2 का। 5, 7 में कितना का? 2 का। यानी हम कह सकते हैं कि सम संख्या हो या विषम संख्या हो, अगर वो क्रमागत है तो प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर समान होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा है क्रमागत न रहेगा तब? हाँ, क्रमागत न रहेगा तो कितनों के अंतर हो सकता है, इसकी कोई गारंटी है? हम कहें 1 और 5 में कितना का अंतर बताइए, ये दोनों विषम संख्या ही है, तो 1, 5 में अंतर 4 का हो गया। हम लिख लेते कि 5 और 17 बताइए, तो 5, 17 में 12 का अंतर हो जाता। अलग अलग होगा, जरूरी नहीं कि आप संख्या क्या ले रहे हो। तो जब क्रमागत होती है तो क्या होता है? क्रमागत प्राकृत संख्या में 1-1 का अंतर, क्रमागत सम संख्या में 2-2 का अंतर, क्रमागत विषम संख्या में भी 2-2 का अंतर होता है। दोस्तों जब कभी हम लोग के सामने प्रश्न आता है और कभी हम संख्या को मानकर बनाते हैं, हालांकि मैं आपको अलग भी तरीका बताऊंगा, बिना माने बना सकते हैं, लेकिन मैथ के कॉन्सेप्ट को सीखते चलिए, इससे क्या होता है कि आपका एकदम बेसिक मजबूत हो जाएगा और इतना मजबूत हो जाएगा कि ट्रिक सीधे आपके दिमाग में हमेशा सेट रहेगा। दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, अगर कभी चर्चा करता है कि 3 क्रमिक विषम संख्या का योग इतना है, चाहे 3 क्रमिक प्राकृत संख्या का योग इतना है या 5 क्रमिक प्राकृत संख्या का योग इतना है,
तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, अगर क्रमिक क्रमिक प्राकृत संख्या है, क्रमिक प्राकृत संख्या है, तब हम अगर मान लीजिए कि तीन गो तीन क्रमिक प्राकृत संख्या है, तो पहली संख्या जब हम x मानते हैं तो दूसरी संख्या उससे एक ज़्यादा x प्लस वन होता है। क्यों? क्योंकि जब पहली संख्या अगर एक रहता है तो उससे एक ज़्यादा अगला होता है, उससे एक ज़्यादा अगला होता है। यानी जब हम तीसरी संख्या मानते हैं दोस्तों, तो हमारे बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ एक्स प्लस तीन लिख दे कि क्या लिख दे। देखिए, इससे एक ज़्यादा ये है और इससे एक ज़्यादा अगला होगा, तो ये x प्लस वन है, इसमें एक और जोड़ दीजिएगा तो x प्लस दो हो जाएगा। जैसे x प्लस वन है, इसमें एक और जोड़ लिए तो x प्लस दो हो गया ना, ये हो जाता है। अगर हमें अगला लिखना होता चौथा तो x प्लस तीन हो जाता, तो ऐसे होता है दोस्तों। लेकिन अगर हम ये कहें, अगर हम ये कहें कि तीन क्रमिक सम संख्या ठीक है, तो अगर आपने पहली संख्या x मान लिया है तो दूसरी संख्या इससे दो ज़्यादा होगा यानी x प्लस दो होगा दोस्तों, और तीसरी संख्या इससे भी दो ज़्यादा। देखिए, इससे दो ज़्यादा चार, और चार से दो ज़्यादा छः है, यानी x से दो ज़्यादा x प्लस दो, और इससे दो ज़्यादा x प्लस चार हो जाएगा। इसे कहते हैं क्रमिक सम संख्या, तीन क्रमिक सम संख्या। आगे भी लिखना होता तो इसमें दो और बढ़ा देते, x प्लस छः हो जाता चौथा सम संख्या। दोस्तों एक बात और, अगर आपसे कहा जाए तीन क्रमिक विषम संख्या, आपसे तीन क्रमिक विषम संख्या का चर्चा हो, तो अगर आपने पहली विषम संख्या x मान लिया हो तो दूसरी विषम संख्या फिर x प्लस दो ही होगा। यहीं पर कंफ्यूज होते हैं लोग, मैं इसलिए इतनी छोटी छोटी चीजें आपको समझाते जा रहा हूं, क्वेश्चन करवाऊंगा आपका दिमाग हिल जाएगा, इतना शानदार ट्रिक आपको इसी वजह से निकल के आएगा। आप लोग वीडियो को छोड़ के भागिएगा मत, वरना जिंदगी भर पछताइएगा, ये चीज कभी नहीं सीख पाएंगे। दोस्तों अगर पहली विषम संख्या x है तो अगला x प्लस दो होगा। क्यों होता है आप कहेंगे, नहीं बहुत लोग कहते हैं नहीं 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 x प्लस तीन होगा। गलत 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 गलत। आप देखिए, अगर ये पहली विषम संख्या एक है तो इसी से ना दो ज़्यादा अगला है, एक में दो जोड़िए तीन, तीन में दो जोड़िए पाँच, पाँच में दो जोड़िए सात, यानी कि x अगर पहला है तो इससे दो जोड़ देंगे अगला विषम संख्या, और इसके बाद का जो हो जाएगा इसमें भी दो जोड़िए x प्लस चार। तो दोस्तों ये भी तीन क्रमिक विषम संख्या ही हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आप कहेंगे कि सर इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों हमें ये चीज़ें बता रहे हैं आप? तो आइए दोस्तों हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं तो आपको समझ में आएगा। आइए दोस्तों देखिए, आपके सामने एक छोटा सा नन्हा सा सवाल है। सवाल क्या कहता है, तीन क्रमिक प्राकृत संख्या का योग 51 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? बहुत सिंपल सा सवाल है, मुझे पता है आप लोगों में से लगभग लोगों को ऐसे सवाल बनाने आता है, लेकिन मैं क्यों लिखा हूं आपको थोड़ा देर में आपको पता चल जाएगा। दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, तीन क्रमिक प्राकृत संख्या, क्रमिक प्राकृत का मतलब वो लगातार वाला, एक दो तीन चार वाला, क्रमिक सम संख्या कहता तो दो चार छः आठ वाला नहीं ऐसे, और क्रमिक विषम भी कहता तो उसी तरह दो दो के अंतर पर। इसमें तीन क्रमिक प्राकृत संख्या का योग 51 है तो बड़ी संख्या पूछा है। तो दोस्तों सबसे छोटी यानी पहली संख्या अगर x मान लिया जाए, आगे ट्रिक से बनाएंगे ये काम नहीं करेंगे, लेकिन समझ लीजिए अगर पहली संख्या x मान लिए तो दूसरी संख्या इससे एक ज़्यादा, क्योंकि क्रमिक प्राकृत संख्या है, सम विषम नहीं है, सम विषम रहता तब दो ज़्यादा होता, और तीसरी विषम संख्या सॉरी तीसरी प्राकृत संख्या इससे एक ज़्यादा यानी x प्लस दो। दोस्तों तीनों संख्या का योग बोला है 51, यानी कि x, x प्लस वन और x प्लस दो, इन तीनों को जोड़कर योग दिया हुआ है 51। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक दो तीन, तो 3x प्लस दो एक तीन बराबर कितना 51, और हाँ ये 3x बराबर ये तीन जाके घटेगा तो कितना 48, तीन से काटिए 48 को 16 बार में, x की वैल्यू कितना हो गया 16, यानी हमारा पहली संख्या 16 पता चल गया, और बड़ी संख्या निकालना है तो यहाँ वाला x के जगह 16 प्लस 2 यानी हमारा आंसर कितना हो गया 18, बीच की संख्या होता तो 16 प्लस 1 यानी हो जाता 17।
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। एक बात और, आपको कोई भी ऐसा वैल्यू जरूर यहाँ रहेगा जो कटेगा, क्योंकि तीन गो दिया है तो तीन से कटने वाला ही रहेगा, चार गो देगा तो चार से कटने वाला ही रहेगा। जैसे यहाँ देखिए तीन जाके घटा भी तो 48, 48 तीन से कटा ना तभी तो संख्या निकला। अब मान लीजिए तीन क्रमिक संख्या एगो आ जाता 16.2 तो कैसे होता, तीन क्रमिक संख्या गड़बड़ा जाता, यानी कटने वाला ही वैल्यू रहेगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे सवाल को एग्जाम में कैसे बनाना है। दोस्तों एग्जाम में सीधा करना है, तीन क्रमिक प्राकृत संख्या का योग 51 है ना, तो 51 को लिख के तीन से भाग दे दीजिए, कितना 17। इससे पीछे एक चल जाइए, तीन गो है ना, ये बीच का निकलता हमेशा, ये बीच का निकला, इससे पीछे चल जाइए 16 और इसके आगे आ जाइए 18, 17 के बाद 18, 17 से पहले 16, यानी छोटी संख्या कहता तो 16 आंसर, बीच की संख्या कहता तो 17 आंसर, सबसे बड़ी संख्या कहता तो 18 आंसर। आया बात समझ में दोस्तों? अगर क्रमिक संख्या है तो एक पीछे, एक ही पीछे हटेंगे, और सम संख्या रहता तो दो पीछे हट जाते, यानी अगर विषम संख्या रहता क्रमिक तो 17 से दो पीछे यानी 15 छोटी संख्या होता, और 17 2 19। अगर ऐसा सवाल हो तो देखिए कैसे बनाते हैं, सीधा सा कुछ नहीं किए, अगर ऐसा सवाल आपको अब मिलेगा तो तीन क्रमिक प्राकृत संख्या का योग 51 है तो सबसे बड़ी संख्या 51 को तीन से भाग 17, और बड़ा तो 17 से एक ज़्यादा 18 हो जाएगा आंसर। बात आ गया समझ में? तो इतना जल्दी आप बना सकते हो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आइए दोस्तों हमारा अगला सवाल है, पांच क्रमिक प्राकृत संख्या का योग 40 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? क्या करेंगे हम लोग, 40 को लिखेंगे, पांच से भाग दे देंगे 8, तो पांच गो संख्या बनाना है तो दो गो ऊपर और दो गो नीचे कर लीजिएगा, 8 से ऊपर 7 6, 8 के बाद 9 10 हो गया। आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, आपका आंसर 10। बात आ रहा है समझ में? दोस्तों देखिए सबको जोड़ के देख लीजिए आप, 10 और 9 19, 19 और 8, 19 8 हो जाता है 27, 27 और 7 34, 34 और 6 40 हो गया ना, पांचों संख्या का योग 40। अब दोस्तों एक बात और आपको समझना है कि यहाँ जो है अगर ये सम संख्या में रहता तो गड़बड़ा जाता, हाँ जैसे चार गो रहता तब थोड़ा सा क्या हो जाता है, ये लेंदी प्रोसेस हो जाता है, मुश्किल हो जाता है इसको सोचना, लेकिन यहाँ पांच गो संख्या का दे, तीन गो का, सात गो का, नौ गो का, 11 गो का, तब क्या होता है कि बीच की संख्या एक निकल जाता है और उससे ऊपर और उससे नीचे जाना बहुत ही इजी हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल आपके सामने है, सात क्रमिक प्राकृत संख्या का योग 105 है तो सबसे बड़ी संख्या, या सबसे छोटी संख्या भी पूछा जा सकता है, सात गो हो, पांच गो हो, तीन गो हो, नौ गो हो, एकदम आसान बनाना। क्या करना है, 105 और कटने वाला ही वैल्यू होगा तभी तो पूर्णांक में वो संख्या निकल के आएगा। 105 में 7 से भाग दे दीजिएगा तो 15 7 105। आपको तो निकालना है दोस्तों सात गो संख्या, सात गो में एक गो 15 निकल गया, छः गो और तो तीन गो नीचे तीन गो ऊपर लिख लीजिए, तीन गो ऊपर यानी 14 13 12, 12 13 14 15 हो गया, 15 के बाद 16 17 18 हो गया, 6 गो संख्या 1 2 3 4 5 6 7 अक्रमिक प्राकृत है इसलिए लगातार लेके गए। आपका आंसर तैयार है, सबसे बड़ी संख्या 18 और सबसे छोटी संख्या कहता तो कितना, सबसे छोटी संख्या हो जाता 12। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हमारे सामने है दो क्रमागत प्राकृत संख्या का योग 103 है तो छोटी संख्या क्या? एक बात, दो क्रमागत प्राकृत संख्या होगा तो उसका योग हमेशा विषम संख्या ही होगा। कैसे, देखिए एक, एक के बाद क्या होता है 2 3 4 5 6 7, यानी आगे भी जा सकते हैं, कोई भी दो गो को जोड़ के देखिए लगातार, क्रमागत प्राकृत का मतलब लगातार, इसको जोड़ेंगे तो 3, 2 3 को जोड़ेंगे तो 5, या 3 4 को जोड़िए तो 7, विषम संख्या आ रहा है, 4 5 को जोड़िए तो 9, या 5 6 को जोड़िए तो 11, उसी तरह आगे भी जोड़िएगा 7 8 को 15, यानी विषम संख्या आएगा, इसलिए मैंने यहाँ योग क्या दिया है, विषम संख्या दिया है। दोस्तों अब आपको इसमें छोटी संख्या तो दो गो है ना, 103 में 2 से भाग दे दीजिए और निकालिए कि कितना आता है, तो 2 5 10 2 5 10 कट गया और 3 में यानी 51.5 आ जाएगा। नहीं अब देखिए तो ये तो क्रमागत प्राकृत संख्या नहीं ना है, 1 2 3 4 5 यानी पूर्णांक में ये नहीं है, दशमलव में चला गया,
इससे पहले 51 रहा होगा और इसके बाद 52 होगा। साढ़े 51 से पहले पूर्णांक में 51 रहा होगा और 51.5 के बाद 52 होगा। यही दो संख्या हो गया दोस्तों। आपसे पूछा है छोटी संख्या तो कह दो 51 आंसर, बड़ी संख्या तो 52 आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल हम लोग के सामने, तीन क्रमागत सम संख्या का योग 72 है तो छोटी संख्या क्या होगा। दोस्तों हम आपको ये बता रहे हैं कि 3 गो पूछे, 5 गो पूछे, 7 गो पूछे, 9 गो पूछे, इसको बनाने के लिए ये ट्रिक बहुत आसान ये लागू होता है। लेकिन 4 गो 6 गो यानी जोड़ा में पूछेगा तो एक्स मान के कर लेंगे। देखिए अगर इसे हम एक्स मान के करें तो पहली संख्या एक्स, दूसरी संख्या चूंकि 3 क्रमागत सम संख्या है तो 2 ज़्यादा होगा सम संख्या है तो, और अगला जो हो जाएगा लास्ट वाला सम संख्या इससे 2 ज़्यादा x प्लस 4। सबको जोड़ेंगे, x को जोड़ेंगे, x प्लस 2 को जोड़ेंगे और फिर जोड़ लेंगे हम x प्लस 4 को, और तीनों संख्या का योग दिया हुआ है ये आपका 72। अब बताइए x x वाला एक साथ जोड़ेंगे तो 1 2 3, 3 गो x है, 4 2 6 बराबर कितना 72। तो 3x बराबर कितना, इधर जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 66। अब 3 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, 3 दूना 6 3 दूना 6, एक्स की वैल्यू कितना आ गया 22। तो सबसे छोटी संख्या आपको 22 निकल के आ गया, सबसे छोटी संख्या कितना 22, और सबसे बड़ी कहता तो 22 प्लस 4 कितना हो जाता 26 हो जाता, और बीच की संख्या कितना हो जाता 22 प्लस 2 24 हो जाता। दोस्तों ये तो रहा हमारा प्रोसेस ऐसे सवाल को बनाने के लिए। अब हम आपको बता रहे हैं कि अगर इसी का हम लोग ट्रिक यूज करें तो कैसे बनाएंगे। दोस्तों कुछ नहीं, तीन क्रमागत सम संख्या का योग 72 दिया है, 72 को लिखिए, 3 से भाग दीजिए कितना हो गया 24, 3 से भाग दे दिए तो कितना हो गया 24 हो गया। अब आपको क्या करना है, तीसरा ये बीच का हमेशा निकलता है, ये कहाँ का निकलता है बीच का, 3 गो 5 गो 7 गो रहेगा तब ना कोई एक बीच में रहेगा, और 4 संख्या में बीच किसको कहिएगा, बीच में 2 गो आ जाएगा, बात है समझ में। तो चलिए इसको देखते हैं 24, तो 24 को अगर 3 से भाग दे देते हैं, हाँ सॉरी 72 को 3 से भाग दे दिए तो 24 आ गया, इससे 2 पीछे जाएंगे, क्यों, क्योंकि सम संख्या 2 पीछे या 2 आगे बढ़ेगा, तो 1 पीछे ले लेंगे 1 आगे ले लेंगे, 24 में से 2 घटा दीजिए 22 और 24 में 2 जोड़ दीजिए 26, आपका तीनों संख्या निकल के आ गया 22 24 26। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आइए दोस्तों अगला सवाल है, 5 क्रमागत सम संख्या का योग 150 है तो छोटी संख्या क्या होगा। एक बात कि 5 क्रमागत सम संख्या का योग तो 150, ये हमेशा विषम नहीं रहेगा, ये सम रहेगा, क्यों, क्योंकि देखिए अगर 2 4 6 8 10 5 गो को जोड़ के देखिए, इस सब सम संख्या को जोड़िएगा तो समय संख्या आएगा, कहीं से 5 गो सम संख्या जोड़ के देख लीजिए, सम संख्या ही आना है, तो 5 क्रमागत सम संख्या का योग कितना है 150 है। आपको क्या करना है, 150 में 5 से भाग देना है, 5 3 15 30 हो गया, 5 गो में 1 गो पता है तो 2 संख्या ऊपर 2 संख्या नीचे, 30 के पीछे सम संख्या 28 और इसके पीछे 26, 30 के बाद 32, 32 के बाद होता है 34, इन सब को जोड़ेंगे तो हमारा 150 हो जाएगा। देखिए 8 6 14 14 2 16 4 20, लास्ट में 0 आ रहा है ना, चलिए हासिल 2 2 2 4 3 7 3 10 3 13 2 15, 150 हो गया सब जोड़ के, बिल्कुल हो गया। हमसे पूछा जा रहा है सबसे छोटी संख्या, आप कहेंगे 6 आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस सवाल को आप देखते ही बना देंगे, 3 लगातार विषम संख्या का योग 75 है तो बड़ी संख्या, विषम संख्या में 2-2 का डिफरेंट रहता है ना, तो पहले तो 75 में 3 से भाग दे देंगे 25, अब बड़ी संख्या तो उससे 2 ज़्यादा, आपका आंसर 27 हो गया, और छोटी संख्या तो 25 से 2 कम 23 आंसर हो गया। दोस्तों चलिए देखिए 75 को 3 से भाग दिए तो कितना आया 25, इससे 2 पीछे चले जाइए 23 छोटी, और इससे 2 आगे आ जाइए 25 2 27, बड़ी संख्या हो गया। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। आइए दोस्तों सवाल है कि 2 क्रमागत प्राकृत संख्या का अंतर 37 है तो छोटी संख्या क्या होगी। दोस्तों डायरेक्ट क्रमागत प्राकृत संख्या है तो क्रमागत प्राकृत संख्या में अंतर कितना होता है, एक एक का होता है ना,
लगातार संख्या होगा तो आपको क्या करना है, जो अंतर दिया है उसमें एक घटाना है और दो गो संख्या है दो से भाग लगाना है। ये आपका छोटी संख्या निकल गया, छोटी संख्या निकल गया, 37 में से एक गया, 36 को दो से भाग दिए 18। और अगर बड़ी संख्या निकालना होता, बड़ी संख्या तो आप समझ गए होंगे, केवल 37 में एक जोड़ के दो से भाग, 37 में एक जोड़े 38 को दो से भाग 19। ये दोनों संख्या में देख लीजिए, ये दोनों संख्या का दो क्रमागत प्राकृत संख्या के अंतर कितना है, 37 है। आइए दोस्तों, बहुत ही शानदार जानदार सवाल आपके सामने है। कहता है दो क्रमागत प्राकृत संख्या के वर्गों का अंतर 37 है तो बड़ी संख्या क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। ऐसी स्थिति में अगर क्रमागत प्राकृत संख्या है तो पहली संख्या x माने तो दूसरी संख्या यानी इससे बड़ी x प्लस वन हो जाएगा, हो जाएगा ना। अभी तो मैं आपको ये प्रोसेस बता रहा हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आप घबराइएगा मत। दो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर, अच्छा पहली x माने है प्राकृत संख्या, अगला x प्लस वन, आ अंतर के लिए बड़का में से छोट का घटाना होता है। तो कहता है दोनों के वर्गों का अंतर यानी इसका वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर होना, और फिर उसका वर्ग, किसका वर्ग, x का वर्ग, ठीक है, यानी छोटका के वर्ग या बड़का के वर्ग, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा देंगे अंतर हो जाएगा, जबकि अंतर दिया हुआ है 37। दोस्तों इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के नियम से ए स्क्वायर मतलब इतना प्लस बी स्क्वायर मतलब इतना एक का स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू ए अब बी एक से गुना करिए चाहे नहीं करिए छोड़ दीजिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर ये 37, ई वाला एक्स स्क्वायर लिखे, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में गया, अब ये 2x हुआ दोस्तों, एक प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 37 में से एक घट जाएगा, अब 2x बराबर कितना हो जाएगा 36, दो से काट दीजिए 18, यानी x की वैल्यू कितना निकल के आ गया 18, तो छोटी संख्या 18 हो गया और बड़ी संख्या 18 प्लस एक होगा क्योंकि x का वैल्यू रखेंगे, हो जाएगा 19 बड़ी संख्या। दोस्तों ये तो था हम लोग का प्रोसेस बनाने का, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये जल्दी से सवाल हम लोग कैसे बनाएंगे। सुनिएगा, जब दो प्राकृत संख्या के वर्गों का अंतर दे दे, ठीक है, और बड़ी संख्या या छोटी संख्या पूछे, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए आपको डिफरेंट जितना दिया है उसमें एक जोड़कर दो से भाग, और छोटी संख्या तो छोटी ही होता है, छोटी संख्या के लिए डिफरेंट में से एक घटा के दो से भाग। दोस्तों यहाँ 37 में एक जोड़ते 38, 38 को दो से भाग तो हमारा कितना हो जाता 19 हो जाता बड़ी संख्या, और छोटी संख्या 37 रखते 37 में से एक जाता 36 को दो से भाग 18 हो जाता। दोस्तों जरा देखिए चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं, अभी तो आप चेक करवे किए थे प्रोसेस से बताए थे। अब दूसरा बात, इसके वर्गों का अंतर 37 है यानी इसके और इसके वर्गों का अंतर 37 होना चाहिए, तो 19 का वर्ग और 18 का वर्ग, देखिए हम चेक करके बता रहे हैं, 19 का स्क्वायर 381, 18 का 324, घटा दीजिए आ जाएगा 37 का अंतर, बिल्कुल 11 में से 4 गया 7, 7 तो दिख ही रहा है आपका, बच गया ये आपका 37, 37 में से हाँ 37 में से ये 18 का स्क्वायर कितना 324। दोस्तों यहाँ 19 का स्क्वायर 361 और 18 का स्क्वायर 324, घटा दीजिए 37 का अंतर आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले सवाल को। दोस्तों एक बात, दो क्रमागत प्राकृत संख्या के वर्गों का अंतर 75 है तो बड़ी संख्या निकालना है, ठीक है। तो एक बात यहाँ पर समझिएगा कि ये 75 ही क्यों दिया जा रहा है, आप कहेंगे कि सर 74 रहता तब कैसे होता, सुनिएगा नहीं रहेगा, क्योंकि दो क्रमागत प्राकृत संख्या का हमेशा अंतर जो होगा एक विषम संख्या होगा। देखिए जैसे 3 और 5 क्रमागत है ना, तब 5 के स्क्वायर लिखिए 25 और 3 का स्क्वायर 9, और घटाइए 25 में से 9 गया कितना 16, एक सम संख्या। आइए दोस्तों, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा अगला सवाल, दो क्रमागत प्राकृत संख्या के वर्गों का अंतर 75 है तो बड़ी संख्या क्या होगा। कुछ नहीं, क्रमागत प्राकृत संख्या का अंतर 75 दिया है, बड़ी संख्या पूछा है। अच्छा इसमें तीन क्रमागत प्राकृत संख्या का अंतर नहीं हो सकता, वैसे सवाल कैसे बनेगा, तीन गो में अंतर, कभी भी अंतर कोई दो चीज में होता है दोस्तों, तो यहां दो संख्या ही रहेगा। इसमें बड़ी संख्या अगर निकालनी है तो आपको पता हो गया आंसर,
75 में एक जोड़कर 2 से भाग, ये 76 को 2 से भाग 38 आंसर हो जाएगा। और अगर छोटी संख्या हमें निकालनी है तो आपको पता है ना 75 में से क्या करोगे आप, 1 घटाओगे 2 से भाग, यानी 74 में 2 से भाग 37 हो जाएगा। ये दोनों लगातार संख्या है। अब इसके वर्ग या इसके वर्ग में से घटाओगे इसके वर्ग में से इसका वर्ग तो आ जाएगा आपको 75। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक बात और आ रहा होगा कि अगर अगर ये 74 रहता तो 74 में एक जोड़ते तो 75 कैसे कटता, नहीं रहता। कभी भी दो लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का अंतर नहीं हो सकता है सम संख्या जो 75 रहेगा। कैसे, देखिए 3 और 5 को ही लेके चेक करके देख लीजिए, सॉरी क्रमागत लेना है ना, तो 3 और 4 ले लीजिए, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया 7, विषम संख्या है ना। अच्छा 4 के बाद 5 होता है तो 4 और 5 लेके देख लीजिए, लगातार संख्या लेना है ना लगातार प्राकृत, तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 के स्क्वायर 16, बड़का में से छोटे का घटाएंगे तब ना अंतर निकलेगा, 25 में से 16 गया 9, फिर विषम आया ना, इसीलिए हम वहाँ पर विषम ही दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो सवाल कुछ भी लिख देने से थोड़े होता है, कुछ भी लिख देने से नहीं होता है। अब चलिए अगर यही सवाल आपको सम और विषम पर रहेगा तब कैसे होगा उसको देख लेते हैं। आइए दोस्तों, 2 क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का अंतर 40 है तो बड़ी संख्या क्या होगा। इस बार क्या करना है, अगर सम संख्या या विषम संख्या रहे, सम वाला रहे या विषम वाला रहे, तो एक ही रूल लगेगा, आपको डी में से 4 घटाना है, लेकिन हाँ बड़ी संख्या निकालना है तो डी में 4 जोड़ना है और 4 से ही भाग देना है। आपको कितना है 40 + 4/4, यानी 44 में 4 से भाग दे दीजिए, 11 आपका बड़ी संख्या निकल के आ गया। और छोटी संख्या निकालना हो, छोटी संख्या तो डी में से 4 घटा के 4 से भाग, ये फार्मूला सम वाला पर भी चलेगा और विषम वाला पर भी चलेगा। दोस्तों डी के जगह आप 40 रखेंगे, 40 में से 4 चला जाएगा 4 से भाग, 40 में से 4 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40 में से 4 चला जाएगा 36, 36 को 4 से भाग देंगे, 4 × 36। अब दोस्तों एक बात देख लेते हैं, क्या इन दोनों के वर्गों का अंतर, जो 2 संख्या आया है वर्गों का अंतर 40 आता है, तो चलिए चेक करते हैं। ये दोनों विषम संख्या निकल के आया है ना दोस्तों, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 1 में से 1 गया 0 और ये बच गया आपका 12 में से 8 गया 4, आ गया ना 40। तो चलिए दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही आसानी से इस चीज़ को समझ चुके हैं। चलिए एक सवाल और हम लोग कर लेते हैं, एक सवाल और देखते हैं। आइए दोस्तों हमारा अगला सवाल है, 2 क्रमागत सम संख्या के वर्गों का अंतर 100 है तो बड़ी संख्या क्या होगा। बस क्रमागत सम संख्या रहे चाहे विषम संख्या रहे, आपको बड़ी संख्या निकालना है तो बड़ी संख्या में क्या करते हैं, वो 100 लिखेंगे और 100 में से 4 जोड़ देंगे। बड़ी संख्या निकालना है तो 4 जोड़ के 4 से भाग और छोटी संख्या निकालना होता तो 4 घटा के 4 से भाग। 100 में 4 जोड़े 4 से भाग 26 हो गया। और आपको अगर छोटी संख्या निकालना है, छोटी संख्या तो हम क्या करेंगे, 100 में से 4 घटा के 4 से भाग दे देंगे, यानी 96 में 4 से भाग 24 हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है दोस्तों 26 और 24 इन दोनों के वर्गों का अंतर 100 आ जाएगा। देखिए 26 का स्क्वायर 676 होता है और 24 का स्क्वायर 576 होता है, 76 में से 76 चल गया 00 और 6 में से 5 गया 1, 100 आ गया ना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। और हाँ आप कहेंगे कि सर यहाँ अगर कोई विषम संख्या रहता, नहीं रहेगा, कोई भी 2 क्रमागत विषम या 2 क्रमागत सम संख्या का अंतर हमेशा जो होता है वर्गों का अंतर हमेशा सम संख्या ही होता है। दोस्तों जैसे मैं आपके एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा दूँ, कहाँ से ले लीजिए 4 और 6 ले लीजिए तो 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, घटा के देखिए समय संख्या आने वाला है 0, 3 में से 20 हो गया ना। अच्छा 7 के 9 का ही ले लीजिए, क्रमागत विषम लीजिएगा ना तो 7 9 लीजिए चाहे 5 7 लीजिए। अच्छा 9 का स्क्वायर 81 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 11 में से 9 गया 2 और इधर बच गया कितना 7 में से 4 गया, 7 में से 4 गया तो 3। बताइए आपको आया ना समय संख्या आया ना। तद क्रमागत सम संख्या हो या क्रमागत विषम संख्या हो,
अगर दूगो क्रमागत सम संख्या या दो क्रमागत विषम संख्या है तो उनके वर्गों का अंतर हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, सच में अच्छा लगा है, तो लाइक जरूर करिएगा। अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक का भी बटन आपके सामने है, डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमारे अंदर उत्साह बढ़ता है और हम नई नई चीज़ें और बहुत बेहतरीन वीडियो बनाने का हमेशा प्रयास करते हैं। जो मुझ में क्षमता है वो पूरी क्षमता में लगाने का कोशिश करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।